अगली खबर भोपाल से, जहां अमित शाह के एमपी दौरे का आखिरी दिन है और आज इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग की लेंगे बैठक। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान को धार देने के में जुटे हैं अमित शाह और सुबह 11:30 पर इंदौर की संभागीय बैठक है। आपको बता दें कि इंदौर के बाद ग्वालियर जाएंगे अमित शाह और दोपहर 2:30 पर ग्वालियर चंबल संभाग की लेंगे बैठक। बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर है, उनका लगातार बैठकों का दौर जारी है और अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे का आज आपको बता दें उनके दौरे का आखिरी दिन है। आज इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग की विशेष बैठक लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान को धार देने में शाह लगातार जुटे हुए हैं। 11:30 इंदौर की संभागीय बैठक होगी, उसके बाद ग्वालियर के लिए रवाना होंगे और ग्वालियर में भी विशेष बैठक आज की जाएगी। आपको बता दें 2:30 का वो समय होगा जब ग्वालियर संभाग में चंबल संभाग में अमित शाह बैठक लेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, अमित शाह के दौरे का आज आखिरी दिन और इंदौर और ग्वालियर में संभागीय बैठक होनी है, क्या कुछ विशेष? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में अमित शाह बात कर रहे हैं, और सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, बात करने के साथ साथ उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो फीडबैक भी ले रहे हैं आगे के लिए क्या रणनीति है वो की, और अभी की स्थिति क्या है और आगे जो है वो इसके बाद में जो पिछले टास्क दिए थे वो पूरे हुए या नहीं। हाँ, लेकिन आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले दफा सरकार बनाने में इंदौर और मालवा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है इस पूरे क्षेत्र को, चाहे उज्जैन संभाग की बात करें या फिर इंदौर संभाग की बात करें, और प्रदर्शन को लगातार बरकरार कैसे रखा जाए, हर जगह की अलग अलग स्ट्रेटजी अमित शाह ने बनाई है दिल्ली में बैठ के, और वही वो कहीं ना कहीं अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बताएंगे। आज भी इंदौर और उज्जैन संभाग के संदर्भ में यही माना जा सकता है। जी जी अनुराग, बने रहेगा हमारे साथ। तो आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे का आज आखिरी दिन है और इंदौर संभाग के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है।